नाज़रीन आदाब, आज हम श्रीनगर के ईदगाह इलाके में हैं। नाज़रीन, ईद उल अधा के मौके पे यहाँ पे भीड़ों का बहुत रश हुआ करता था। नाज़रीन आदाब, आज हम श्रीनगर के ईदगाह इलाके में हैं। नाज़रीन, ईद उल अधा के मौके पे यहाँ पे भीड़ों का बहुत रश हुआ करता था, लेकिन आज कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे सब कुछ सुनसान है। बेड फरोश भी कम है और उनको खरीदने वाला भी कोई नहीं है। चलिए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो? हम राजस्थान से आए हैं। आप यहाँ पे किस लिए आते हैं? हम ये बस भेड़ों बेचने के लिए आते हैं। आप पिछले साल भी आए थे? पिछले साल भी आए थे, पिछले साल भी मंदा था, अब की बार भी कोरोना की वजह से मंदा है, कोई लेने के लिए आ नहीं रहा है, हम ऐसे ही हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कोरोना वायरस की वजह से कितना असर पड़ा इस कारोबार पे? हमारा बहुत कोरोना की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ और भेड़ू बिक नहीं रहा है, ऐसे ही बैठे हैं अब 4-5 दिन से बस। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कुछ खुला करे, या बंद पड़ा है सभी, खुला करेगा तभी कोई लेगा, तभी कुछ अच्छा होगा, बस आमदनी होगी हमारी भी। गुजारिश करान सान खतर करते ती सान खतर ठीक रोज है आज दीत यन कुन जाय कह जगह यतन अस बेहमव अस करहव किया बुस्तस सान गुजर गुजारिश छ यसे क्या जे छ इमान उम्मीद लेकर यहां अच्छा सा ये शाय अस क्या जे छ ईदगाह छ मंडी लगान ये माल नेरान मगर ये सख्ती अस नहायत सख्ती वो ये गुजारिश करा सतन गियायत इन कर भी माल इस्लाम तुम कत रोजान श्रीनगर एस आर गंज। अच्छा, वैस क्या तुम ये यो द्राय वह सौदा वौदा इस बराबरी मान क्या और द्रोग तनान तो सह हालत मार्केट कहें यह गुना सन ये गमी हालत ये बाजार त हालत खराब अल्लाह तला कर पुन रहम करम अस पे बाकी क्या कर अंगुल जहाँ यल तूत जब तसान तीर तीन वल तसान आज अगर वो कह चोर कर सखना तम सी रजा खत रब सी रजा खत मे दिन दिन निका तो मगर आया वारा दिवान कह बराबर से पुन कह बाकी अल्लाह तला कर पुन पे फल करम परेशानी गई रब सरफ गुना करम पुन क्या गई हालत खराब तुम क्या खुदा क्या कर रब करीम सान गुन कर अफूह बस अच्छी बंद तम तंद बंद अल्लाह तला गुन रहम कर हमको होता है। हाँ जी, हम लोगों की ईद आ रही है, एक साल हो गया ईद के लिए वेट करते हैं, तो अभी का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से हमको पिछले साल भी हमने। नाज़रीन, इनसे बात करके यही पता चला कि ये ज़िंदगी से बहुत बेजार है, क्योंकि 2 साल यानी 5 अगस्त 2019 से ये यहाँ पे आ रहे हैं, इनको बिल्कुल खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अब सरकार से यही गुजारिश है कि ईद के मौके पे इनको थोड़ी सी ढील दी जाए ताकि ये अपना माल फरोख्त कर सके। मौके पे इनको थोड़ी सी ताकि